हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। तो अभी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। आज थोड़ा धूप अच्छी आई है, मतलब कल की धुंध अभी भी है हल्की हल्की। तो अभी हमने अपने गोबर भी फेंक लिया है और भैंस बकरियाँ सब बाहर बांध ली हैं। तो अभी मम्मी हमारे खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम आजकल सुबह ही दाल चावल खा लेते हैं, क्योंकि आजकल दिन थोड़ा छोटे होते हैं ना, तो इसलिए सुबह ही बन जाता है हमारा खाना। और अंजू लगे हैं डुगरू के साथ खेल में, और हम भर रहे हैं अभी पानी। पानी तो बहुत कम आ रहा है, आपको पता ही है। तो अभी हम थोड़ी देर में धारा जाएंगे। आजकल हम रोज ही जा रहे हैं, वहाँ जाने तक हाथ इतने अकड़ जा रहे हैं, क्योंकि उधर को धूप आती नहीं है, काफ़ी ठंडा होता है वहाँ। तो अभी हम अपना काम करते हैं। मम्मी ऊपर गई हैं भैंस को घास डालने के लिए, और मैं अभी अपनी मटकी धोती हूँ छाकी। नेक्स्ट टाइम जब इसमें हम वो छा खानेंगे तब यूज़ होता है। अभी तो इसमें छा खाली कर ली है, थोड़ा सा है वो मैं ऊपर ताई जी को देती हूँ, और फिर अपना काम करेंगे। अभी ये छा देती हूँ मैं ताई जी को। इनके जामिर कितने होते हैं देखो। लो एक ले जाओ, कैल जी तो ना तुम इनको। मैं बुखार आ गया, मैं भूख से जगा खाने खा मारो तो खजा ला ला, तब सा को ना ला ना भी नहीं खाने। तुम मुझे दे लियो, ला ला को तू दे ला 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 दियो 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 लियो। अच्छा आज मेरी मम्मी बनाई बड़ की सब्जी। अभी हमने इसमें डाला है बिस्वार और मसाले। क्या बड़छिन मम्मी हो? ककड़ा ककड़ी की, ये तली नहीं उंचाइन हम साग बनन तुम तोड़ो। ये हमारी सब्जी है रेडी, अभी इसको थोड़ा पकने देंगे। आओ जोई भात खाला बनोला अलेदुल। हमारे डुगरू को देखो दोस्तों, अबे बड़ा हो गया, अब ये खूब मस्ती करता है। इसके दांत इतने खतरनाक चुभते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मस्ती अंजू के साथ ही करता है, क्योंकि अंजू इसको बहुत परेशान कर देते हैं। रस मम्मी ने खाना बना लिया है, अभी अपने दूसरे काम में लग गए गुड़ाई में। तो इस वाली क्यारी में है हमारा लहसुन और धनिया, कहीं कहीं पे पालक भी हो रखा है, और तो यहाँ 2-3 पौधे इसके हो रखे हैं अजवाइन के। अभी मम्मी इसकी गुड़ाई कर रहे, फिर हम इसमें डालेंगे पानी जो उधर से भर के लाएंगे। इस वाले में तो थोड़ा हल्का पानी हो रखा है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा डालते रहते हैं ना। अभी मम्मी लग गए हैं यहाँ काम में। तो दोस्तों ये हमको अभी ऊपर वाली ताई जी ने दिया है, जामी टाइप का है, काफ़ी खट्टा होता है। अभी हम इसमें नमक और मिर्ची डालेंगे, क्योंकि हम इसको मतलब अपने भैंस और बकरियों को दे रहे हैं। इससे क्या होता है, इनके मुंह का टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि वो रोज़ घास ही खाते हैं, तो फिर ये खट्टा खट्टा उनको देते हैं, तो इससे वो ज़्यादा घास खाते हैं। अभी अंजू दे के आएंगे, इसमें थोड़ा मिर्ची भी डालेंगे। देख के तो मेरे को भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी हम इनको अपनी भैंस और बकरियों को देंगे। ये ऊपर आना चाहता है, लेकिन दीवार बड़ी है, ऊपर आ नहीं पाता, यहीं पे बैठ जाता है जब हम ऊपर होते हैं। तो मैंने इस क्यारे की गुड़ाई कर ली है। यहाँ हमने किनारे में कई कई गोभी के पेड़ लगाए हैं। पिछले साल तो हमने बहुत गोभी खाई थी अपने घर में लगाई, इस बार थोड़ा कमी हो रखी है। और ये हमारे बीज वाला प्याज है, जिसका हम बीज बनाते हैं। अभी मम्मी दूसरे क्यारी में चली गई, यहाँ भी हमने लहसुन लगाया है। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, और उसके बाद हम धारा से पानी भर के भी ला गए हैं हम तीनों। अंजू भी बैल को पहुँचाने गए हैं, वहीं से पानी भर के लाएंगे। तो अभी हम करते हैं अपना काम, मैंने चूल्हे की लिपाई करनी है, अभी अपना काम कर लेते हैं, आपको थोड़ी देर में मिलेंगे हम। तो दोस्तों अभी हम नहलाने वाले हैं अपने गुंडरू को। इसको जब से हम लाए हैं 2 बार नहला रहा, दूसरी बारी है, एक बार नहला लिया। इसको नहाने से बड़ा डर लगता है, बहुत जिद करता है, क्योंकि ऐसे करते हैं ना, ऐसे
भी अंजू इसको नहला रहे हैं। हमने इसको बाल्टी में ही फिट कर लिया है, इसके इस साइज की है ये बाल्टी। वहाँ टब से भी बाहर आने के लिए ऐसा कर रहा है, जाओ अंदर जाओ। ये देखो इनको ठंडा भी काफ़ी होता है। ये अभी हम इसको लगाएंगे शैम्पू। मना कर रहा है हमको, क्विंग 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 करते रहेगा अभी। देखो सोच रहा है अंजू इसको बाहर निकाल ले, पूरे उनके हाथ नहीं बैठ जा रहा। अभी हम इसको मस्त धूप में बैठा देते हैं। ये लो इसमें बैठाओ बोरी में। अब पूरे दिन भरे धूप सेकेगा तो इसको काफी गर्म होगा। अभी झबरू हो गए, अभी नहा के पतला लग रहा है। तो दोस्तों हमारे खेत में नींबू के पेड़ से नींबू गिर गया है। ये थोड़ा अजीब टाइप का हुआ है इसलिए गिर गए, शायद पूरी तरीके से पक गए हो गए तो खुद ही झड़ जा रहे हैं आजकल कोई कोई। आज नींबू भी छान सकते हैं हम। अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं जंगल। तो दोस्तों खाना खा के और घर का हमने सारा काम कर लिया है। अभी मैं और मैं और मम्मी जाएंगे जंगल। अंजू की याद आती है मेरे को हर चीज़ में, इसलिए अंजू बोल दिया। तो मैं और मम्मी जाएंगे जंगल, लकड़ी मिल गई तो लकड़ी लेके आएंगे, वरना ठिट वगैरह जो भी मिलेंगे हमको वो ले आएंगे। हमारा टाइम पास भी हो जाएगा, घर में काफ़ी बोर हो रहे हैं आजकल हम। तो चलते हैं, अभी दूध की बाल्टी अंदर रख देते हैं हम। धूप में रखते हैं ना बाहर की दही जमेगा करके, क्योंकि आजकल ठंडी की वजह से कम जमता है दही, तो इसलिए हमने बाहर रखी थी। अभी इसको अंदर रखते हैं। दोस्तों हमने इसको अपने गुंडरू को यहाँ पे डलिया में ढक के रखा है, क्योंकि रौनक से लड़ाई करता है तो रौनक इसको काट सकता है ना, इसलिए इसको आदत नहीं है कैसे कर रहा है वहाँ से। कोई कोई इसको तो बिल्कुल रहने की आदत ही नहीं है, इसका खाना भी रखा था खाएगा करके। बदमाश क्यों नहीं रह रहा इसको, बस जब देखो मस्ती करनी है जब देखो। आज हमारा गजू भी जल्दी आ गए हैं, सारी जगह आग लगी है तो कहाँ चलेंगे, इसलिए सब वापस आ गए हैं आज, गाय बैल सबके। अरे मैं मम्मी चलते तो दोस्तों कल की आग से इतनी आग लगी है, देखो पूरा जंगल जल गया है और ये लकड़ी अभी तक जलने में, इसमें धुआं आ रहा है देखो, क्योंकि इधर को सारे पेड़ गिरे हैं ना, तो ऐसी पेड़ों में अभी तक आग लगने में, तो मेरे को धोना है तो अभी हम भी आए हैं लकड़ी को, लेकिन लकड़ी तो नहीं दिख रही, नीचे साइड आग नहीं लगी है, क्योंकि हमारे गांव वाले पूरे यहाँ तक आए थे बुझाने के लिए, सारी आग उन्होंने बुझाई तो रास्ते से नीचे नहीं गई है। तो दोस्तों हम जंगल में तो आए हैं, लेकिन यहाँ हमको लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो गया आज। ऊपर साइड को तो पूरी आग लगी है, रास्ते से नीचे आग नहीं लगी है। तो अभी हमने थोड़ा लकड़ियाँ वहाँ पर रास्ते में इकट्ठा करी है और हम तो अभी आगे आए हैं। यहाँ भी हमको ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिल रही, थोड़ा ही मिले हैं अभी, कोशिश कर रहे, मम्मी लगे हैं अपने काम में। अभी हमको यहाँ पे थोड़ी ही लकड़ियाँ मिली हैं, इतने इकट्ठे करे हम यहाँ पे, हमने लकड़ियाँ ही नहीं मिली। आ जाओ, एक तो इतने ठोस हो रखे हैं, इस पर काफ़ी एनर्जी लग रही है। यहाँ सामने वाले गांव के भैंस चरने भी आए हैं, देखो दो तीन भैंस हैं वो। यहाँ गांव वाले ऐसे ही खोल देते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं खोलते ऐसे। मम्मी यहाँ लगे हैं अपने काम में। देखो यहाँ जंगल में कितनी हवा चल रही है, इसी की वजह से जो आग लगी होती है वो बढ़ जाती है हवा की वजह से। अभी यहाँ भी जंगल में मंदिर है गंगनाथ जी का, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं कैसा मंदिर है। ये है दोस्तों गंगनाथ जी का मंदिर, जय गंगनाथ जी। देखो एकदम बीचों बीच जंगल में है मंदिर, काफ़ी अच्छा लग रहा। ये देखो ये मंदिर आजकल ही नया बना है, तो यहाँ टाइल्स वगैरह लगा के अच्छा मंदिर बनाया है, बट ये हमारे गांव वालों का नहीं है, ये है बे गांव वालों का। यहाँ सामने से उन्हीं का गांव है बे, तो ये मंदिर उन्हीं का है। मैं आपको दिखाती हूँ उनका गांव कहाँ है। तो दोस्तों जो सामने गांव दिख रहा है वो बे गांव है। तो यहाँ से काफ़ी सारे गांव दिखते हैं, बट मेरे को भी पता नहीं है कौन सा गांव है, मेरे को भी नाम नहीं पता, इतनी नॉलेज भी नहीं है अभी। तो
ये मंदिर यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी जंगल में है तो यहाँ हवा भी काफ़ी चल रही है। ये मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे अभी हवा कितनी चल रही है आपको आवाज़ आ रही होगी। देखो अभी मैं चलती हूँ मंदिर से। वैसे भी हम लकड़ी को आए हैं, मैं यहाँ मंदिर में आ गई, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर कैसा है। तो अभी चलते हैं। लकड़ी आज हमको मिली नहीं रही है क्योंकि यहाँ कितने मतलब पेड़ तो काफ़ी सारे गिरे हैं सूखे वाले, बट ऐसा होता है कि जैसे कोई पेड़ गिरा हो उस पर कोई पत्थर रख के चले जाए तो वो पेड़ उसी का माना जाता है, वही उस लकड़ी को फोड़ सकता है उसमें से। तो यहाँ जितने भी पेड़ हैं सब में पत्थर रखे हैं लोगों ने, उसे पत्थर रखे गए हैं, अब जब वो आएंगे तो वही उनको फोड़ सकते हैं जिन्होंने पत्थर रखा हो। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं घर को। एक डलिया मम्मी का है, मैं यहाँ पर बिछा के गई थी, अभी मम्मी लाएँगे इसको, बट ये काफ़ी भारी हो रहा। और एक गुढ़े मेरे सर में है, ये लकड़ियाँ थोड़ी गीली हो रखी है इसलिए काफ़ी भारी हो रखे हैं। अभी हम चलते हैं घर को, पहले पीछे से मम्मी आ रहे हैं, आगे से मैं चलती हूँ। और हम पियेंगे चाय, अंजू और मम्मी पियेंगे। अभी हमारे भैया लोग का कॉल आया है। हेलो, क्या कर रहे? कुछ ना। खाना हो गया? और बताओ फिर। तो अभी हम चलते हैं मोड़ डालने, यहाँ इनके पानी की सिंचाई चल रही है। हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हा? तुम्हारे यहाँ कहाँ से आ रहा? तुम जोर से बोलो। हम गदारी खा रहे हैं, पानी लेके अपने अपने खेत में डाल देंगे। ठीक करा, हम चलते हैं गोबर फेंक के आते हैं। तो दोस्तों देखो बाउंड्री यहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है ख़त्म होने का, क्योंकि अभी तक आग लगने में ही है। और ऊपर साइड देखो अभी भी आग लग रही है। इस आग से कितना नुकसान हुआ है, यहाँ से ऊपर को एक गांव है। तो दोस्तों इस आग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, मतलब हमने अपने गांव में नुकसान होने से तो बचा दिया, मतलब ऐसे तो जंगलों में बहुत आग लगी है, वैसे प्रदूषित बहुत हुआ है हमारा पर्यावरण, बट वैसे किसी का ऐसा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ऊपर साइड कोई आग कहाँ कहाँ तक पहुँची है, तो ऊपर एक गांव है पिलखा, तो वहाँ कई लोगों के जो घास के लूट होते हैं वो जले हैं। तो देखो आग लगी कहाँ से थी और कहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए इस आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक आग पता नहीं कहाँ तक जाएगी क्योंकि यहाँ से सारा जंगल वाला एरिया है, अभी तक लगने में ही है। अभी हमने गोबर फेंक लिया, अभी हम चलते हैं घर को। अभी बकरियों के लिए सौंग तो नहीं तोड़ रहे हम क्योंकि लेट हो गया, अभी सीधे जाएंगे हम घर। तो दोस्तों ये देखो सरसों कब से बोए हैं लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए, छोटे छोटे हो रखे हैं, इनको भी बारिश चाहिए तभी होंगे। इसमें तो इतने इसलिए हो रखे हैं क्योंकि ये पानी वाले खेत हैं तब भी इनमें हो रखा है, वरना कोई खेत तो ऐसे हैं जो खाली बोए हैं उनमें कुछ भी नहीं हुआ है, वो बारिश से ही होंगे। अभी ये वाला खेत भी हमारा ही है, इसमें भी कहीं कहीं पर हुआ है, कहीं पर तो कुछ नहीं हुआ है। बारिश होती तो कुछ होता, हमारे भैंस के लिए हरी हरी घास ज़रूर होती, बट बारिश ही नहीं हो रही है। मेरी मम्मी ने आज गर्म पानी भी रख लिया है टाइम से, गर्म पानी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि अभी पानी काफ़ी ठंडा होता है। और सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई है, ये है गडेर के शव, आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम, अभी इसको हम बॉयल होने के लिए रखेंगे, फिर आज ये सब्ज़ी खाएँगे। तो गोबर फेंक के हम सीधे भीखू काट के भी आ गए, दोनों काम एक साथ कर लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना जो चैनल में नए हो, और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं बट लाइक नहीं करते हो आप लोग, रोज़ कहती हूँ बट प्लीज़ लाइक करना। तो कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ।